आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का के आर वाला प्रहार देख लेते हैं। इससे जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा आम आदमी पार्टी का अहंकार चूर चूर हो गया है। अन्ना के आंदोलन से निकले केजरीवाल का आंदोलन, के यानी कि केजरीवाल करप्शन और क्रांति में तब्दील हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, पूरा मामला भारत की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, गहरी साजिश के तहत केजरीवाल की सरकार को गिराने का मकसद। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, देश की राजधानी आज कलंकित है क्योंकि उसकी गाथा अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। शराब घोटाले में भूमिका को लेकर जुडिशियल कस्टडी में है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, बांसुरी स्वराज ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल शामिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन का आज दूसरा दिन है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों से की जा रही है जेल का जवाब वोट से देने की अपील। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, जिन लोगों के लिए केजरीवाल ने लड़ाई लड़ी उन्हें संभालना पड़ेगा मोर्चा, वोट से देंगे जवाब तो बाहर आएंगे केजरीवाल। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में आरोपी आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर अमानतुल्ला खान को जारी किया समन, 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। जेएमएम के पूर्व विधायक पोलुस सुरेन दोषी करार, आज होगा सजा का ऐलान। झारखंड एमपी एमएलए कोर्ट ने भूषण सिंह और राम गोविंद हत्याकांड में पोलुस सुरेन को दोषी करार दिया। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास के बाहर प्याऊ की शुरुआत, मामा के घर के बाहर सार्वजनिक प्याऊ दिया गया है नाम, राहगीरों के लिए निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नवरात्रि के पहले दिन की मंदिर में पूजा अर्चना, रायबरेली के मंदिर में की मां दुर्गा की आराधना, मंदिर में मौजूद लोगों को प्रसाद भी बांटा, लोकसभा चुनाव में जीत के लिए लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव का चुनाव को लेकर क्या है प्लान, देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। पहले चरण के मतदान से पहले चढ़ा यूपी का सियासी पारा, लखनऊ में आज दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाराणसी में रोचक हुआ मुकाबला, महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, अखिल भारत हिंदू महासभा ने हिमांगी को वाराणसी से दिया टिकट। पहले चरण के चुनाव के 8 दिन पहले आरजेडी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, बिहार में 22 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, सिवान सीट पर अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं, ये सीट भी आरजेडी के खाते में। लालू प्रसाद यादव ने अपनी दो बेटियों को दिया टिकट, मीसा भारती पाटिल पुत्र से लड़ेंगे चुनाव, सारण से रोहिणी आचार्य लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से करेंगी दो दो हाथ। सारण के रण में उतरी लालू की बेटी रोहिणी पर बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता का निशाना, कहा रोहिणी ने किडनी को बनाया राजनीतिक हथकंडा, किडनी दी या नहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए। चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी, कहा लोकसभा चुनाव के बिहार में आने वाले संभावित नतीजों से डर गई है बीजेपी। बिहार के औरंगाबाद में सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को घेरा, कहा बिहार की जनता जानती है कि सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं लालू, किसी दूसरे के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। बिहार की पूर्णिया सीट पर त्रिकोणिया का हुआ मुकाबला, आरजेडी से बीमा भारती का टिकट पक्का होने के बाद पप्पू यादव और जेडीयू के संतोष कुशवाहा से होगी सीधी लड़ाई। चुनाव में फेक वोटिंग को लेकर बीजेपी की तैयारी, पार्टी की माइनॉरिटी सेल ने बनाई मुस्लिम महिलाओं की टास्क फोर्स, यूपी के 20,000 बूथों पर 7,000 महिलाएं रखेंगी फर्जी वोटिंग पर नजर। लखनऊ में बीजेपी की माइनॉरिटी सेल ने महिलाओं को दी ट्रेनिंग, फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बताए गए तरीके, चुनाव के दौरान गड़बड़ी मिलने पर इलेक्शन ड्यूटी पर लगे अधिकारियों से की जाएगी शिकायत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की तैयारी, नाना पटोले ने कहा इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं। रामनवमी को लेकर केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक का बयान, कहा इस बार पूरी भव्यता से मनाई जाएगी रामनवमी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी पर आरोप, कहा जनता की चुनी हुई सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश हो रही है लेकिन कांग्रेस इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। राजस्थान पर बीजेपी की खास नजर, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बीकानेर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित, चुनाव सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी रहेंगे साथ।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण से 8 दिन पहले गहलोत सरकार में डीजी रहे बीएल सोनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सदस्यता ग्रहण करते ही खोले तत्कालीन सरकार के कई राज। और चलिए अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हादसा, निजी कंपनी की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 12 लोगों की मौत। हादसे के समय बस में सवार थे 20 से 25 लोग। घायलों को रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल। छत्तीसगढ़ में हुए हादसे में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। हादसे में घायल हुए 10 से 12 लोगों की हालत काफी गंभीर। हादसे में मारे गए लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। आज सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे रामदेव और बालकृष्ण। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है मामला। दोनों के हलफनामे पर कोर्ट ने असंतोष जताया है। दोनों ने बगैर शर्त माफी मांगते हुए नया हलफनामा दाखिल किया। 10 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचने पर महिला टीचर की सैलरी में बढ़ोतरी रोकने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और बेसिक एजुकेशन बोर्ड से जवाब मांगा है। 4 हफ्ते के भीतर देना होगा जवाब। बिहार के बक्सर में आज लगेगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत समेत देश भर से जुटेंगे 30 संगठनों के नेता। बिहार के अलग अलग हिस्सों से करीब 10,000 किसानों की जुटने की उम्मीद। मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से मिली इजाजत। फातिहा पढ़ने के बाद गाजीपुर जेल में रखा जाएगा। 11 और 12 अप्रैल को जेल में परिवार से मिलने की भी मंजूरी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।